हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसएल एकेडमी। माय नेम इज़ मयंक कुमार तिवारी एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी गढ़वा। रिसेंटली आकांक्षा 40 के परीक्षा में मैंने पूरे राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। कुल 160 अंक में से मेरे 145 अंक आए। इसके साथ साथ ही बोर्ड की परीक्षा में ही मैं भी मुझे 95.2% मार्क्स मिले हैं। अब सबसे पहले तो बात ये कर लेते हैं कि आकांक्षा 40 की परीक्षा होती क्या है। तो हर साल झारखंड बोर्ड के द्वारा एक परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है, जिसमें जो बच्चे 10th से 11th में आ रहे हैं और वो जेई, नीट या क्लैट की तैयारी करना चाहते हैं, वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और इस एग्ज़ाम को अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो झारखंड सरकार उनकी 2 साल की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेती है और उन्हें काफ़ी अच्छे से ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कराती है। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं और वो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, मेडिकल या आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, पर उनके लिए उनके पास कोचिंग को देने के लिए ज़्यादा फी नहीं है, वो इतने इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा फी भर सकें, तो झारखंड सरकार मेनली इन्हीं बच्चों के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च करती है और उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि सबसे पहली बात कि उन्हें 2 साल फ्री में पढ़ने का मौका मिलता है। इसके साथ साथ जो खाने पीने और रहने की भी व्यवस्था है वह भी सरकार ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, पेरेंट्स पर या बच्चे पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहता है। और इससे दूसरी बात यह है कि वहाँ का जो स्टडी जो लेवल है, जो पढ़ाने का तरीका है वहाँ के टीचर्स का, वो भी काफ़ी अच्छा है, तो उनका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा होता है जेई और नीट की परीक्षा में। तो अब बात कर लेते हैं कि मैंने इस एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपरेशन की थी। तो क्लास 10th में जब मैं गया तो मैंने इंजीनियर्स एकेडमी कोचिंग ज्वाइन की गढ़वा का ही। अभी जो आप मुझे बीएसएल एकेडमी पे सुन रहे हैं वो इंजीनियर्स एकेडमी का ही एक पार्ट है। तो मैं जब क्लास 10th में गया तो मैंने इंजीनियर्स एकेडमी गढ़वा ज्वाइन किया। उसके बाद धीरे मैंने शुरुआत में मैं सोच रहा था कि बोर्ड की प्रिपरेशन करूँगा, पर सर लोगों ने बोर्ड के साथ साथ हमें पेरिफेरल भी थोड़े बहुत पढ़ाना शुरू कर दिया इन ओलंपियाड के लिए, ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। और लास्ट में आते आते तक जो हमें एनटीएससी के लिए प्रिपरेशन करवाया गया तो वो मुझे मेंटल एबिलिटी में काफ़ी उसका बेनिफिट मिला। और उसके साथ जब बोर्ड एग्जाम के बाद जब सर ने आकांक्षा 40 के लिए एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया और हमारे जो रोज़ बोर्ड टेस्ट लेते थे, रोज़ मैराथन होता था यूट्यूब पर उन्होंने सारा सिलेबस भी कंप्लीट करवाया, सारे मॉडल पेपर भी लगवाए, तो वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो यही कारण है कि मैं मेनली ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाया। अगर आपको भी इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बीएसएल एकेडमी से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं तो इसी से करें, क्योंकि ये आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और एक और बात ये कि इस एग्ज़ाम को देने से सबसे बड़ी बात है कि इकोनॉमिकली आपके पेरेंट्स काफ़ी फ्री हो जाएंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी आपकी पढ़ाई के लिए, और वो आपको एक स्टडी इन्वायरमेंट भी मिलेगा आकांक्षा 40 में। अगर आपको इस एग्ज़ाम के लिए और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं, वीडियो बनाया।